अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं अपने रोड की तरफ से, और हम आज जा रहे हैं गांव के अंदर, और बच्चे जो है गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। अभी अभी अस्सलाम वालेकुम कर रही है, और अनीशा भी और शामिर भी, लेकिन आज बच्चों की तबीयत कुछ ठीक नहीं, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े ढीले ढीले हुए हुए हैं, और शामिर खांसी भी हो रही है, और अनीशा भी बोलती हुई जा रही है, अबीरा भी। और ठंड का बहुत ही ज़्यादा मौसम है यहाँ पर, और हमने सोचा कि हम आज एक गाँव के अंदर जाते हैं जो कि जम्मू का बहुत ही खूबसूरत गांव है, और हम आपको आगे चलकर गांव का विजिट करवाते हैं, गांव के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और बच्चे बस कुछ ढीले ढीले से हुए हुए हैं, और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों को जैकेटों के अलावा टोपियाँ वगैरह ये चीज़ें पहनानी पड़ी, और बच्चे जो है फुल इंजॉय। ये एक हमारे घर के पास नया मुर्गी फार्म खुला है, पोल्ट्री फार्म। मैंने कहा आपको दिखाऊं, ये ऐसे है, ये दिन में निकल आती हैं, और अंदर भी जाने का है इनका रास्ता। ये अंडे देने वाली और गोश्त की है मेरे ख्याल में। ये देखिए लकड़ी डाली है उन्होंने इधर, बहुत सारी मुर्गियाँ। ये जर्मन की मुर्गियाँ इस तरह हैं, ये देखें। ये सारी यानी के ये कुदरती, ये नॉर्मल से हट के थोड़ी सी महंगी होगी, क्योंकि ये कुर्ती कुदरती जगह पे रखी हुई है, और ये कुदरती माहौल में पल रही है, और इसके अंडे भी थोड़े से महंगे होंगे नॉर्मल के मुकाबले में, जो पिंजरे में बंद होगी। ये देखिए इन्होंने इसका हिसाब लगाया हुआ है, मुर्गी बाहर नहीं आ सकती, घास वास ये वो जरासीम सारी चीज़ें खुले माहौल में पल रही हैं। तो भाई ये भी आती हैं, आ आ का नारा लगाओ तो आती हैं भाई, वाह देख लेंगे, माशाल्लाह सेहतमंद है, सेहतमंद मुर्गी है सारी, खुले माहौल की आह 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 आह, सारी मुर्गियाँ खुले माहौल में घूम रही हैं। ये देखें चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन, हरा ही हरा माहौल, और उसके दरमियान में मुर्गियाँ इस तरह। घास खा रही हैं, कुदरती माहौल में खुश हैं। और यहाँ पर ऐसे वापस चलते हैं अब। यहाँ पर ये देखें क्या माहौल है, ये किसानों के घर हैं, और ये साथ साथ, और यहाँ किसान रहते हैं, और इनका जो मौसम आया हुआ है वो जो अपना ईद के ऊपर वो बेचते हैं, यहाँ पर भी बेच रहे हैं, जिसे कहते हैं ट्री, जो इनका बिकना है, बहुत ज़्यादा पैक करके रखा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर बिकेगा ये। ये देखें इन्होंने रात के लिए लाइटें भी सजाई हुई हैं, ये ऐसे। ये देखो इधर ऐसे वही काम हो रहा है यहाँ पर, इसको बनाएंगे, इसको पैक करेंगे, और इसको लेके जाएंगे। हेलो, व्हाट्स कॉस्ट द क्लाइन है? हाँ, 435 यूरो, यस। हाँ ओके, ये ग्रोस 35 यूरो का है ये।
Und kleine auch? Nein. Auch 35 Euro. Kleine. Und Chote, die sind, die sind auf der anderen Seite. Aber ihr habt Chote genommen. Die großen sind 35 Euro. Die Chote sind 20 Euro. Die haben die Kiemte lagen. Die haben sie hier oben. Die sind 20 Euro. Das ist ein sehr großer Farm. ये बस इन दिनों में ही खुलता है और इन्हीं दिनों में बंद हो जाएगा बस। और ये 25 यूरो वाला है, यहाँ पर ऊपर कीमत लिखी हुई है। वो आगे सारा मंजर इनका यही है बस। ये देखिए लोग आ रहे हैं जर्मन और ये लेके जा रहे हैं, तैयार करके इन्होंने रखा हुआ। यहाँ पर ही सजाने का ये सारा, ये सारा इन्होंने ना ऐसे सजाया हुआ पूरा, तकरीबन दो किलोमीटर, एक किलोमीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सजाई हुई हैं। और यहाँ पर इनकी कीमतें लिखी हुई हैं, छोटा बड़ा सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये कीमत भी लिखी हुई है, 80 यूरो, 90 यूरो, 100 यूरो, 175 यूरो, 200 यूरो। लेकिन ये जो है ज़मीन के साथ है, ज़मीन के साथ, मिट्टी के साथ निकाल के देंगे आप। वो जो निकले हुए वो अलग हैं, ये ऐसे यहाँ से ऐसे जाते हुए। ये देखिए कितने खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ फर्श लकड़ी के साथ, इतनी प्यारी खुशबू है यहाँ पर, ऐसी प्यारी ऑक्सीजन है यहाँ के, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, कि मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में जो यहाँ पर इतना प्यारा नज़ारा है। यहाँ देखें, यहाँ दूर तक वो, वहाँ से देखें कितनी कितनी दूर तक ये चीज़ लगी हुई है। बहुत ज़्यादा बिकती है, जैसे गंदम बिकती है पाकिस्तान में, ये यहाँ पर ये पौधा बिकता है ईद के मौके पर। जो यहाँ के ईसाई लोग हैं इस पौधे को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहते हैं कि जब हज़रत ईसा पैदा हुए तो ये पौधा उनके पास था, जब हज़रत मरियम बीबी, हज़रत मरियम के पास ही ऐसा पौधा था वहाँ पर, यहाँ पर हज़रत ईसा की पैदाइश हुई है, उसको सजाते हैं, इसलिए बहुत प्यार मोहब्बत से। ये देखें ऐसे काटने के लिए आरियाँ वगैरह सारी रखी हुई हैं उन्होंने। या मान इज ज़्यादा गुड हाउस है, द फ्रेश लुक या मैंने उसको कहा कि बिल्कुल ताज़ा हवा यहाँ पर, कह रहा है कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ताज़ा हवा यहाँ, इसलिए कि ये कुदरती इलाका है, या कुदरती चीज़ें यहाँ, यानी कि कोई ऐसी नहीं है। बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू है। ये ट्री देखें आप, खुदा की कुदरत, कितने खूबसूरत ट्री है। बहुत प्यार करते हैं इस दरख्त से, लोग बहुत प्यार करते हैं। गाड़ियां में आ रहे हैं लोग लेने के लिए। अब चलते चलते हम मुर्गियों को भी गुड बाय कहते हैं, अपने माहौल में खुश हैं। कितना खूबसूरत इन्होंने घर बनाया हुआ है, अंदर ही इनका हिसाब किताब अंडों का भी, और बाहर ये घूमने का, कितनी प्यारी जगह बनाई हुई है। ये किस्म का गांव का माहौल है और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।